नमस्कार, आप सभी को जय श्री कृष्ण। सावधान इंदौर, तैयारी कर लो, महाप्रलय आ रहा है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं इंदौर के विषय में। देखिए, इंदौर जो है मध्य प्रदेश का एक महानगर है जिसे बहुत ही आधुनिक माना जाता है, जिसे बहुत ही स्वच्छ माना जाता है। किस प्रकार से इंदौर में महाविनाश आ रहा है, किस प्रकार से इंदौर सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, आज हम यही चर्चा करने जा रहे हैं। इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आपके लिए जानकारी बहुत ही गंभीर हो सकती है। देखिए, आने वाले जो खतरे हैं उसके विषय में हम लगातार आपको अवगत करा रहे हैं, लगातार आपको जानकारियां दे रहे हैं। यदि समय रहते इन जानकारियों को आप समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन बच सकता है, आपके परिवार का जीवन बच सकता है। देखिए, अब तक हमने दिल्ली के विषय में, अब तक हमने मुंबई के विषय में, अब तक हमने गुजरात के विषय में और भी बहुत सारे महानगर हैं या फिर राज्य हैं उनके विषय में जानकारियां दी हैं और बताया है कि किस प्रकार से आने वाले समय में उन पर खतरा मंडरा रहा है। परंतु आज जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो बहुत ही गंभीर सिद्ध हो सकता है कि किस प्रकार से इंदौर में जो है वो खतरा आने वाला है। देखिए, यदि हम बात करें इंदौर की, तो इंदौर का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है। तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि यह जो शहर है या फिर यह जो महानगर है वो कितना पुराना रहा होगा। वैसे बहुत से लोग ऐसा दावा करते हैं कि इंदौर का जो इतिहास है वो केवल 400 से 500 वर्ष है, परंतु जब इस पर शोध किया गया तो पाया गया कि वहां पर जो अवशेष मिले शोध के दौरान, उसमें ये पाया गया कि ये जो महानगर है, ये जो शहर है वो 400 या 500 वर्ष पुराना नहीं, अपितु यह जो महानगर है वो 4000 वर्ष पुराना महानगर है। तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना पुराना है और इसका इतिहास भी कितना पुराना है। तो देखिये, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इंदौर किस प्रकार से धंसने वाला है। देखिये, इंदौर को लेकर जो भविष्यवाणी की गई है वो ये की गई है कि इंदौर आने वाले समय में धरती में समाहित हो जाएगा, यानी कि हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि इंदौर जो है वो धस जाने वाला है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो है इंदौर की जो भूमि है, यानी कि इंदौर जो महानगर है वो नीचे से पूर्णतः खोखली हो चुकी है और इंदौर में आने वाले समय में एक बहुत ही भयानक महाभूकंप आने वाला है। देखिए, जब इंदौर में ये महाभूकंप आएगा तो इंदौर आप देखेंगे कि पूर्णतः धरती में धस जाएगा, यानी कि धरती में समाहित हो जाए। देखिए, यही बात भविष्य मालिका में भी लिखी गई है कि आने वाले समय में किस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं आने वाली हैं। वैसे यदि हम भविष्य मालिका की बात करें तो भविष्य मालिका में स्पष्ट तौर पर यह बताया गया है कि 2020 से लेकर 2030 का जो समय रहने वाला है वो संधि काल का समय रहने वाला है, यानी कि इस दौरान प्राकृतिक आपदाएं जो है वो बहुत ही तीव्र हो जाएंगी। आप देखेंगे कि इस दौरान कहीं ना कहीं आप देखेंगे बहुत सारा प्राकृतिक आपदाएं आने को होंगी, यानी कि यदि हम बात करें जल तांडव की, या फिर हम बात करें अग्नि तांडव की, या फिर हम बात करें वायु तांडव की। तो देखिए, जल तांडव का सीधा सीधा तात्पर्य यहां पर यह है कि उस दौरान आप देखेंगे कि लगातार बाढ़ आते हुए आपको दिखाई देगा। अग्नि तांडव का तात्पर्य यहां पर यह है कि लगातार अग्नि से जुड़ी घटनाएं देखने को मिलेंगी, यानी कि इस धरती का तापमान बढ़ेगा और फिर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आग भी लगेगा। तो अभी हमने देखा ही था कि उत्तराखंड के वनों में किस प्रकार से आग लगा था, वहां पर हजारों की संख्या में जो वृक्ष थे वो जल करके राख हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपने देखा था कि वहां के वनों में आग लग गया था, जिस कारण आप देखिए कि वहां पर हजारों की संख्या में जो वृक्ष थे वो जल करके राख हो गए थे। इसी प्रकार से यदि हम बात करें वायु तांडव की, तो वायु तांडव में हमने देखा कि मुंबई में किस प्रकार से चक्रवात आया था, या फिर हम बात करें बंगाल की, तो बंगाल में आपने देखा था कि किस प्रकार से वहां पर जो है चक्रवात आया था। यदि हम बात करें रूस की, या फिर हम बात करें चीन की, इन सभी क्षेत्रों में हमने देखा था कि किस प्रकार से वहां पर, आप सभी ने देखा था कि किस प्रकार से वायु तांडव देखने को मिला था, यानी कि चक्रवात देखने को मिला था। यदि हम बात करें भूकंप की, तो हमने ताइवान में देखा था कि किस प्रकार से भूकंप आया था, जापान में देखा था कि कितना खतरनाक भूकंप आया था। जब यह भूकंप वहां पर आया था तो लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हुए थे, वहां पर हजारों लोगों की मृत्यु भी हुई थी। तो इंदौर में इसी प्रकार से एक महाभूकंप आएगा। ये भूकंप कब आएगा, आज हम आपको ये भी जानकारी देने जा रहे हैं कि आखिर ये भूकंप इंदौर में कब आएगा। तो देखिए, भविष्य मालिका में जैसा कि हमने आपको बताया है कि भविष्य मालिका में जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो सांकेतिक रूप से लिखी गई हैं। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर पता ये चलता है कि भविष्य मालिका में मध्य भारत की बात की गई है कि मध्य भारत में एक बहुत ही भयानक आपदा आने वाला है। देखिए, आपदा का वहां पर सीधा तात्पर्य प्राकृतिक आपदा से है। तो भविष्य मालिका में मध्य भारत की जो बात की गई है वहां पर यही लिखा गया है कि यहां पर रातों रात एक महाभूकंप आएगा, और जब यह महाभूकंप आएगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, यानी कि अचानक से यह महाभूकंप आने वाला है। देखिए, अभी जो प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं वो अचानक से घट रही हैं। देखिए,
अभी हमने देखा था कि दिल्ली के अंदर एक ही रात में इतनी अधिक बरसात हुई थी कि पूरा दिल्ली ही डूब गया था। तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना खतरनाक बात है कि अब जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं वो पलक झपकते ही आ जा रही हैं। यदि आप कल्पना कीजिए कि अचानक से 9 की तीव्रता वाला कोई भूकंप आ जाए तो आपको संभलने का अवसर ही नहीं मिलेगा, आपको कुछ तैयारी करने का अवसर ही नहीं मिलेगा, पलक झपकते कहीं ना कहीं आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं, इसीलिए संभवतः भविष्य मालिका में संत अच्युतानंद दास जी ने और अन्य संतों ने हमें कहीं ना कहीं जागरूक किया होगा, हमें अवगत कराया होगा आने वाले खतरों से, कि हम उसके लिए सचेत हो जाएं, उसके लिए सजग हो जाएं। क्योंकि ये जो खतरे अब आएंगे ये अचानक से आ जाएंगे, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, कोई भी वैज्ञानिक यंत्र उस दौरान काम नहीं करेगा, कोई भी वैज्ञानिक आपको ये नहीं बताएगा कि ये खतरा आने वाला है। परंतु संतों ने कहीं ना कहीं साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से ये जान लिया था कि आज से 600 वर्ष बाद क्या होने वाला है। देखिए, भविष्य मालिका आज से 600 वर्ष पूर्व लिखा गया था, तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना खतरनाक बात है। आप सोच सकते हैं कि यदि आपको पता हो कि कोई भूकंप आने वाला है या फिर कोई जल तांडव आने वाला है तो आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं, परंतु यदि आपको अनुभव ही ना हो, यदि आपको पता ही ना चले कि कोई प्राकृतिक आपदा कल ही आने वाली है या फिर कोई भूकंप कल ही आने वाला है और कब आ जाए आपको ये पता ही ना हो, तो आप कोई भी तैयारी नहीं कर सकते हैं। और जब वो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी तो निश्चित रूप से उसमें आपके प्राण भी जाएंगे, उसमें आपको आर्थिक नुकसान भी होगा, आपका जो महानगर है पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। तो यही बात भविष्य मालिका के अंदर लिखी गई है कि मध्य भारत में कुछ बड़ा होने वाला है, यानी कि मध्य भारत में हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश नामक राज्य है और उसी में इंदौर आता है। देखिए, वहां पर स्पष्ट तौर पर इंदौर को लेकर के इंगित भी किया गया है भविष्य मालिका में। देखिए, वहां पर इंदौर का नाम तो नहीं लिखा गया है परंतु सांकेतिक रूप से लिखा गया, सांकेतिक वाणी यदि आप समझते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर बात इंदौर की जा रही है, कि किस प्रकार से इंदौर खतरे में जाने वाला है। और वहां पर यह भी कहा गया है कि जब इंदौर में यह महाभूकंप आ रहा होगा उस दौरान जो भी इंदौर में रह रहा होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो देखिए, अब यहाँ पर आप प्रश्न ये करेंगे कि यदि आप इंदौर में रहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। यदि आप इंदौर से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि इंदौर में अभी क्या स्थिति बनी हुई है। वैसे यदि हम बात करें इंदौर की तो इंदौर को बहुत ही स्वच्छ महानगर माना जाता है, इंदौर को बहुत ही स्वच्छ शहर माना जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि यदि आप इंदौर में रहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, इंदौर में यदि आप रहते हैं तो तत्काल आपको इंदौर को छोड़ देना चाहिए और आपको किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर संकेत ये दिया गया है कि इंदौर में जो ये महाभूकंप आने वाला है इसका समय जो रहने वाला है वो 2026 से लेकर 2028 के बीच में रहने वाला है। यानी कि ये जो महाभूकंप आएगा इसी दौरान में आएगा, यानी कि 2026 से लेकर 2028 के बीच में ही ये महाभूकंप इंदौर के अंदर आने वाला है। तो यदि आप इंदौर को छोड़ करके किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन बच जाएगा। देखिए, जीवन सबसे पहले है, यदि जीवन रहेगा तभी आप कुछ कर सकते हैं, जीवन ही नहीं रहेगा तो आप क्या ही कर सकते हैं। तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि ये महाभूकंप कितना खतरनाक रहने वाला है। देखिए, भविष्य मालिका ने तो हमें पहले ही जागरूक कर दिया है, पहले ही सारी बातें बता दी हैं, परंतु अब भी आपको यदि विश्वास ना हो तो ये आपकी मूर्खता होगी। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो भविष्य मालिका को लेकर या फिर हमारी भविष्यवाणियों को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और कहते हैं कि हमारी भविष्यवाणियां कोरी कल्पना है, परंतु ये लोग मूर्ख लोग हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। जब उनके समक्ष मृत्यु खड़ी होगी तब उन्हें समझ में आएगा कि आखिर ये भविष्यवाणियां हम क्यों बता रहे थे। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचे और सभी समझ सके कि इंदौर किस प्रकार से खतरे में जाने वाला है। जुड़ते हैं अतिशीघ्र, तब तक यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि समय समय पर हम आपको ऐसी ही जानकारियां देते रहते हैं। हम जुड़ते हैं अतिशीघ्र, तब तक भजन करते रहिए, सेवा का कार्य करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।